अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन यॉर्कशायर टेरियर इन हिल। यॉर्कशायर टेरियर को छोटे लफ्ज़ों में ये भी बोला जाता है, यॉर्कीज बोला जाता है इन्हें, और ये एक इंग्लिश की कंट्री जो कि बोलते हैं यॉर्कशायर हिल से हैं। अब यॉर्कशायर जो टेरियर है, एक तो इसके पास सारी जो फीचर्स होते हैं, जो पर्सनालिटी ग्रेड होता है वो सारा टेरियर का होता है, और ऊपर से ये ब्रेव भी होते हैं बाय नेचर। अब इनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि इन्हें पहले कपड़े के मिल में चूहा पकड़ने के लिए रखा गया था, बट आज के टाइम में मतलब 21st सेंचुरी में ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं एक तरीके से, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी, एक ऑरा लेके चलते हैं। मतलब ये कहेंगे बहुत खूबसूरत लगते हैं बड़े बालों में, और डॉग शोज में और काफ़ी जगहों पर इनकी धाक मानी जाती है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी के लिए, और इनको जो इनका बिहेवियर है बहुत क्यूट होते हैं, बहुत कडल करने के होते हैं। जैसे आप आंखें देख रहे हैं, बहुत बड़ी काली आंखें, बहुत सुंदर आंखें होती हैं। अब ये भी बता देते हैं कि इसकी पर्सनालिटी क्या है। ये बहुत ही टॉमबॉयश है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट है आपके साथ, बहुत कडल करेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। एनर्जी लेवल थोड़े बहुत ही एक्टिव होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इन्हें ब्रिस्क वॉक अच्छी लगती है। मतलब इन्हें ये मतलब आपके पास रहने में ज़्यादा इन्हें दिलचस्पी होगी, मतलब आपके पास रहने जैसे लैपटॉप, और इन्हें टॉय ब्रीड में भी लाया गया है। अब बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन सुपरविजन की ज़रूरत है। दूसरे डॉग्स के साथ बिहेवियर अच्छा है, उधर भी सुपरविजन की ज़रूरत है। शेडिंग इनफ्रीक्वेंट है, ये पता नहीं लगता। ग्रूमिंग डेली है। अब इस पे हम जो इस कैटेगरी है ग्रूमिंग वाली, हम उसको पूरा दारोमदार जो ग्रूमर्स हैं, जो जैसे जो ओनर्स हैं, उनको दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी पसंद है। इनके बाल बड़े रखना चाहें, अगर उनके पास टाइम है, बहुत केयर कर सकते हैं तो बड़े बाल रखिए, नहीं कर सकते तो परेशान ना हो। छोटे बालों में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, मतलब काम अपनी मर्जी से करेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब हाइट दोनों मेल फीमेल की 7 से 8 इंचेस की है, और वेट 7 पाउंड के करीब होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है, तभी टॉय ब्रीड में इनका नाम बेशुमार है, और बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटीज़ के पास भी इनके जो ये डॉग ब्रीड है। अब कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इनकी, तो 11 से 15 साल की उम्र तक जीते हैं ये, जो एवरेज मानी गई है अच्छी है, मतलब इतने लेवल तक, इतनी उम्र तक डॉग जीते हैं। बार्किंग लेवल जब ज़रूरी होता है तभी भौंकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी रैंकिंग की। जैसे मैंने बताया बहुत फेमस है, तो ये 9th पोजीशन पे ऑल ओवर वर्ल्ड एज पर पॉपुलैरिटी, और इनकी हिस्ट्री 1885 से शुरू हुई। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एनिमल चैनल हिंदी। थैंक यू।